स्कूली बच्चों वालों पंजाब पुलिस की भर्ती लैके लुधियाना डिप्टी कमिश्नर दफ्तर का घिराव किया गया और लुधियाना फिरोजपुर रोड जाम किया गया। प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने कहा कि पंजाब सरकार ते पंजाब पुलिस भोले भाले बच्चों बेवकूफ बना रही है। यह भर्ती सिर्फ बच्चों के कोलों पैसे ठगण का तरीका है। मेरा नाम जी रवि कुमार है जी। इतने मेन धरना देने का जरा कारण है, पंजाब पुलिस के पेपर हुए थे 25-26 सितंबर को जी। इन्होंने रिजल्ट डिकलेयर करना सी, इन्होंने जो कट ऑफ पाई थी ना, इन्होंने कट ऑफ दसिया सिर्फ रोल नंबर तो नाम मैनशन किए गए, किसी बंदे का कोई नाम नंबर नहीं आए, कट ऑफ नहीं आई। दूजी गल, इन्होंने वादा किया 10,000 मुलाजम भर्ती करा, मुलाजम इन्होंने भर्ती करने 4,300 मुलाजमान की भर्ती दी। इन्होंने सरेआम धोखाधड़ी की, किसी बच्चे का नाम नहीं आया, मेरे वर्गे होर भी मेरे नाल ने इन्होंने नंबर, इन्होंने BC कैटागरी की कट ऑफ कटी है जी 65%, इस कुड़ी के नंबर 70 ने, इहदा नाम नहीं आया। मुंडिया के नंबर 92-93-70-72, उन्होंने नाम नहीं आया 40-50। सरकार पंजाब सरकार की धोखाधड़ी है जी, उन्होंने लाया पैसा खाता, इन्होंने रिश्वतखोरी की। दूजी गल, 10,000 मुलाजमान की भर्ती कह के 4,300 की नोटिफिकेशन पाया, जिन्ना असी इन्नी दूरों पेपर पेपर दे के आए, लग लग जगह 100-200 किलोमीटर दूर जाके पेपर दिते, साडा वह खर्चा होया, बाद भर्ती रद्द कर दो, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਟਿੰਕਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।